सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के नए और एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि दोस्तों आसाम राइफल में निकलने वाला है बम्पर वैकेंसी। ये वैकेंसी होने वाली है 116 पोस्ट से लेकर 200 पोस्ट के बीच में ये वैकेंसी होगी। इसके ऑनलाइन डेट कब से शुरू होगा, इसके लिए योग्यता क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले ज़रूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर का अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो हैं मैं अपने चैनल पर रोज़ अपलोड मैं करता रहता, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने जो बेल आइकन है उसको दबाकर उनके दबाइए, क्योंकि जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब के वीडियो है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो और भी सारे जितने सारे गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड की तैयारी इस चैनल पर मैं कराता हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आसाम राइफल में निकलने वाली है बम्पर वैकेंसी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आसाम राइफल में निकलने वाले बम्पर वैकेंसी जिसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन जिसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों 2019/3/17 यानी 3 मार्च 2017 जिसे ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें आपकी फ़ीस की बात करें तो OBC जनरल के लिए 100 रुपये फीस मिलेंगे और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा दोस्तों, कोई भी फीस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल के इसमें आयु वर्ग, जिसे कि OBC के लिए इसमें 3 साल के आरक्षण और SC ST के लिए 5 साल के आरक्षण है दोस्तों। और अगर बात किया जाए तो जॉब लोकेशन की बात कही जाए तो ये आपकी जो पोस्टिंग होगी ये नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे कि मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा ऐसे राज्य में इसकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। इसकी योग्यता की अगर बात करें तो इसकी योग्यता है दोस्तों 10वीं पास, इसकी जो योग्यता है 10वीं पास। इसकी जो पहले इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर पहले इसमें बात करें तो पहले इसमें फिजिकल पहले होगा, जिसके कि आपका जो हाइट औसतन हाइट होना चाहिए, औसत जिसमें कि आपकी औसतन हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए। अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल के लिए इसमें आपके जो हाइट होगा वो है 150 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर दोस्तों। अगर इसकी अगर पहले क्या करते तो इसका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके बाद आपकी जितने भी सारे कटऑफ मार्क आएगा कटऑफ मार्क सारे इसका मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपको कौन कौन सा पोस्ट मिलेगी, इसमें आपको हेड कॉन्स्टेबल मिलेगा दोस्तों, और कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल की वैकेंसी इसमें आपको मिलेगी। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आप इस चैनल पर ज़रूर मैं इसका डिटेल दूंगा, और जितने ये इसकी कट ऑफ किया जाएगी और 2017 जो मैं निकली थी इसकी जो वैकेंसी जो नई जो वैकेंसी निकली है इसके कौन से कट ऑफ रहेगा, OBC जनरल की कट ऑफ क्या रहेगा, जनरल वालों की कट ऑफ क्या रहेगा, SC ST के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।